ये घटना हुई वो साहित्यकारों को आपको प्रभावित करती है, तो कोरोना जैसी कोई भी घटना इसको साहित्य में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, ऐसा है कि फिर मैं यही कहूंगा कि ये इंडिविजुअल साहित्यकार का सवाल है। कुछ लोग इस तरह की घटनाओं से तत्काल प्रभावित हो जाते हैं, फौरन हो जाते हैं। कुछ लोग समय लेते हैं, समय लगता है। कुछ लोग उसको एक यथार्थ के रूप में लेते हैं, कुछ लोग उसको उस यथार्थ को लेकर के उसका विस्तार देते हैं, कुछ साहित्यकार या रचनाकार उसको अपनी विधा के अनुसार ढालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता लिख रहा है, तो वो एक यथार्थ को, एक सच्चाई को कविता के माध्यम में ढालेगा। उसके लिए उसको इमेजेस बनानी होंगी, उसके लिए प्रतीक बनाने होंगे, उसके लिए बिंब बनाने होंगे। इसी तरह से अगर कोई उपन्यासकार है तो उसको एक पूरा कथानक बनाना होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो रचनाकार हैं या अलग अलग विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीका अपनाना होगा, तभी ये काम संभव हो पाएगा। ये तो एक सर जी देखिए एक सच्चाई है कोरोना या इस तरह की कोई भी बड़ी घटना, तो क्यों ज़रूरत महसूस होती है इसे लिखने की और किस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं साहित्यकार? देखिए, लिखने की जरूरत महसूस होना, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया में, समाज में, संसार में जो कुछ होता है उसका प्रभाव रचनाकार पर, लेखक पर, कवि पर, नाटककार पर पड़ता है। आप देखें कि जो कुछ भी हमारे साहित्य में है वो हमारे समाज में था, हमारे समाज में है, जो साहित्य में आज आ रहा है, जो नई नई समस्याएं हैं, जो नए विषय हैं, जो समाज में जन्म लेते हैं, वे नए विषय साहित्य में आ जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि जी साहित्य भी नए विषयों की ओर संकेत करता है, नई समस्याओं को रेखांकित करता है, उन समस्याओं की गहराई की बात करता है। वो ये लोगों को बताता है कि जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, इस रूप में ही नहीं बल्कि और अधिक गहराई में जाकर ये चीज मानव समाज को, इंसानी समाज को प्रभावित करेगी। तो इस तरह से रचनाकार जो है वो इन चीजों से अपने को अछूता रख नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रचनाकार ये कहे कि मैं समाज में रहता हूँ, इस भाषा में और इस कल्चर में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, मैं किसी विचार को और किसी घटना को और किसी बात को अपने अंदर आने नहीं देना चाहता। ऐसा कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता कि समाज से लेने और समाज को देने का जो रिश्ता है, वो ही कला का बुनियादी सिद्धांत है। अगर आप उस बुनियादी सिद्धांत को छोड़ देंगे, तो सारी कलाएं, साहित्य, भाषा सब बेकार है। संप्रेषण और संवेदना, समाज को देख करके आपके मन में एक संवेदना पैदा होती है, उसको आप अपनी भाषा में और अपनी विधा के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक ले जाते जी हैं, लोग उसको देखते हैं। तो ये इसलिए इससे बच पाना लगभग असंभव है।